वेलकम गाइज, मैं हूं आपका दोस्त अमित। हमारे चैनल दिल्ली डीटीसी पे आपका स्वागत है। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं डीटीसी बस रूट 274 की। दोस्तों ये बस ओखला स्टेशन अब्दुल फैजल इंक्लेव से बाबरपुर स्टेशन तक जाती है और इस बस की जो टाइमिंग है सुबह 7:25 से रात 10 बजे तक ये बस चलाई जाती है। इस दौरान 60 स्टॉप आते हैं जो वीडियो के आगे हम आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक करें ताकि हमारे द्वारा आने वाली डीटीसी बसों की सभी रूटों की जानकारी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अब बात करते हैं इस बस के रूट की। तो पहला स्टॉप ओखला स्टेशन अब्दुल फैजल इंक्लेव, नेक्स्ट स्टॉप जो आता है शाहीन बाग थोकन नंबर 8 AF इंक्लेव, इसके बाद जो स्टॉप आता है थोकन नंबर 7 शाहीन बाग, अब जो स्टैंड आता है शाहीन बाग थोकन नंबर 6, अगला स्टैंड जो आता है थोकन नंबर 6 शाहीन बाग, फिर जो स्टैंड आता है शाहीन बाग थोकन नंबर 5, और अब चलते हैं दोस्तों अगले स्टॉप की ओर जो आता है थोकन नंबर 5 शाहीन बाग, नेक्स्ट स्टॉप जो आता है थोकर है 3 यूनानी हॉस्पिटल, इसके बाद जो स्टॉप आता है नई बस्ती। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसें चलाई जा रही हैं और ये बसें कई सारी सुविधाओं के साथ लैस होंगी, जैसे कि सीसीटीवी कैमरे, पैनिक बटन, अलार्म, जीपीएस, दिव्यांगों के लिए नीलिंग रैम की सुविधा दी गई है और इन बसों में खास तौर से महिलाओं के लिए पिंक सीटें दी गई हैं जो कि महिलाओं का फेवरेट कलर है दोस्तों। और सबसे खास बात इन बसों में दोस्तों, ये बसें चलने पर किसी भी प्रकार की कोई आवाज़ नहीं करती हैं, जिससे आपको इन बसों में ट्रैवल करने में और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है दोस्तों। और आने वाले कुछ महीनों में और ज़्यादा इलेक्ट्रिक बसें दिल्ली की सड़कों पर लाई जाएंगी, जिनमें आप और ज़्यादा ट्रैवल कर सकते हैं। और इलेक्ट्रिक बसों को लेकर जो भी आपका ओपिनियन है, सुझाव है, आप हमें ऑडियो या वीडियो के माध्यम से मेल कर सकते हैं, जिसे हम अपने चैनल दिल्ली डीटीसी पर दिखाएंगे। हमारा जो मेल आईडी है dillydtcinfo@gmail.com, जिसे मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और अपने चैनल के अबाउट पर भी दे दिया है। दोस्तों नई बस्ती स्टॉप के बाद जो स्टॉप आता है ओखला गांव टर्मिनल, नेक्स्ट स्टॉप जो आता है बाटला हाउस, इसके बाद जो स्टॉप आता है जामिया नगर, अब जो स्टैंड आता है अंसारी हेल्थ केयर, अगला स्टैंड जो आता है जामिया मिलिया कॉलेज, फिर जो स्टैंड आता है होली फैमिली हॉस्पिटल। दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले स्टॉप की ओर जो आता है भारत नगर क्रॉसिंग, नेक्स्ट स्टॉप जो आता है भारत नगर, इसके बाद जो स्टॉप आता है न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी। दोस्तों दिल्ली की डीटीसी बसों में अगर आप ट्रेवल करते हैं और बसों में आप कंडक्टर से टिकट ना लेकर ऑनलाइन टिकट लेना चाहते हैं तो आप अपने मोबाइल फोन पर चार्टर ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। इस ऐप के जरिए आप चार्टर ऐप के QR कोड को स्कैन करके डीटीसी बसों में टिकट या पास ले सकते हैं, जिससे आपको कंडक्टर से टिकट नहीं लेनी पड़ेगी। चार्टर ऐप के QR कोड दिल्ली की हर डीटीसी बसों में उपलब्ध होते हैं, जिसे आप स्कैन करके टिकट या पास ले सकते हैं। दोस्तों यह ऐप आपको प्ले स्टोर पे मिल जाए। इस ऐप की लिंक मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी डाल दी है, आप लिंक पर क्लिक करके इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी स्टॉप के बाद जो स्टॉप आता है आश्रम, नेक्स्ट स्टॉप जो आता है भोगल, इसके बाद जो स्टॉप आता है भोगल जंगपुरा, अब जो स्टैंड आता है निजामुद्दीन स्टेशन, अगला स्टैंड जो आता है पुलिस स्टेशन निजामुद्दीन दरगाह, फिर जो स्टैंड आता है दिल्ली पब्लिक स्कूल नियर बाय नीला गुम्बद। अब बढ़ते हैं अगले स्टॉप की ओर जो आता है अमीर खुसराहो पार्क ओबेरॉय होटल, नेक्स्ट स्टॉप जो आता है दिल्ली पब्लिक स्कूल, इसके बाद जो स्टैंड आता है सुंदर नगर। दोस्तों दिल्ली में चलने वाली डीटीसी और इलेक्ट्रिक बसों को अब आप भी अपने मोबाइल फोन के गूगल मैप के जरिए लाइव ट्रैक कर सकते हैं। किसी भी बस स्टॉप पर पहुंचने वाली डीटीसी बसों की लाइव लोकेशन देख सकते हैं। दिल्ली में डीटीसी बसें कहां से कहां तक जाएंगी, कितना टाइम लगेगा, कितनी देरी से चल रही हैं, ये सभी जानकारी आप अपने मोबाइल फोन के गूगल मैप के जरिए देख सकते हैं, जिससे अब आपको इन बसों में ट्रैवल करने में आपका कीमती समय भी बचेगा। दोस्तों सुंदर नगर स्टॉप के बाद जो स्टॉप आता है दोस्तों चिड़ियाघर, नेक्स्ट स्टॉप जो आता है नेशनल स्टेडियम, फिर जो स्टैंड आता है ITPO ऑफ प्रगति मैदान, अब जो स्टैंड आता है प्रगति मैदान गेट नंबर 5, अगला स्टैंड जो
आता है सुप्रीम कोर्ट, फिर जो स्टैंड आता है प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन, और अब चलते हैं अगले स्टॉप की ओर जो आता है आईटीओ अग्रवाल चौक, नेक्स्ट स्टॉप जो आता है एक्सप्रेस बिल्डिंग, फिर जो स्टैंड आता है शहीद भगत सिंह पार्क। दोस्तों दिल्ली पुलिस द्वारा लॉन्च किए गए हिम्मत प्लस ऐप से अब महिलाएं और भी ज्यादा दिल्ली में सुरक्षित ट्रैवल कर सकती हैं। दोस्तों इस ऐप में कई अपडेट भी किए जाते रहते हैं जिससे यह ऐप बहुत ही ज्यादा सिक्योर रहता है। इस ऐप में दिए गए SOS के बटन को दबाते ही आप दिल्ली पुलिस को इमरजेंसी कॉल भी कर सकते हैं। SOS के बटन को दबाते ही आपके फोन से ऑटोमेटिक ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगी और आपकी करंट लोकेशन दिल्ली पुलिस को मिल जाएगी जिससे दिल्ली पुलिस आप तक पहुंच जाएगी और आपकी सुरक्षा की जा सकेगी। इस ऐप में इस बार QR कोड से भी एयरपोर्ट समेत 5 मेट्रो स्टेशन के बाहर खड़े होने वाले टैक्सी ऑटो रिक्शा कैब इत्यादि को भी रजिस्टर किया गया है जिससे उस वाहन की करंट लोकेशन वाहन चालक का नाम गाड़ी नंबर समेत पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी जिससे अब आप दिल्ली में कहीं भी किसी भी जगह ट्रैवल करते हैं तो आप इस ऐप को अपने मोबाइल पर जरूर रखें दोस्तों जिससे आप और भी ज्यादा सुरक्षित ट्रैवल कर सकें। दोस्तों ये ऐप आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। इस ऐप की लिंक मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी डाल दी है, आप लिंक पर क्लिक करके इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। शहीद भगत सिंह पार्क स्टॉप के बाद जो स्टॉप आता है दिल्ली गेट, नेक्स्ट स्टॉप जो आता है दरियागंज, फिर जो स्टॉप आता है सुभाष पार्क, अब जो स्टैंड आता है कोतवाली दरियागंज शांतिवन, अगला स्टैंड जो आता है शांतिवन एक्स इंग, इसके बाद जो स्टैंड आता है गीता कॉलोनी रोड क्रॉसिंग, और अब चलते हैं अगले स्टॉप की ओर जो आता है गीता कॉलोनी रोड, नेक्स्ट स्टॉप जो आता है SDM ऑफिस, फिर जो स्टॉप आता है गीता कॉलोनी। दोस्तों अब दिल्ली की DTC बसों में अगर आपके पास दिल्ली मेट्रो कार्ड है और आप DTC बसों में ट्रैवल करते हैं तो आप बसों में कंडक्टर से मेट्रो कार्ड स्कैन करा के भी टिकट ले सकते हैं। ऑनलाइन टिकट लेने पर आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। दोस्तों गीता कॉलोनी स्टॉप के बाद जो स्टॉप आता है शमशान घाट पुस्ता, नेक्स्ट स्टॉप जो आता है गांधी नगर पुस्ता, फिर जो स्टॉप आता है कैलाश नगर पुस्ता, अब जो स्टॉप आता है यमुना ब्रिज ईस्ट शास्त्री पार्क मेट्रो स्टेशन, नेक्स्ट स्टॉप जो आता है शास्त्री पार्क मेट्रो स्टेशन, अगला स्टैंड जो आता है सीलमपुर मेट्रो स्टेशन, और अब चलते हैं दोस्तों अगले स्टॉप की ओर जो आता है सीलमपुर मेट्रो मॉल, इसके बाद जो स्टॉप आता है सीलमपुर जाफराबाद रोड, नेक्स्ट स्टॉप जो आता है सीलमपुर, फिर जो स्टॉप आता है जाफराबाद, नेक्स्ट स्टॉप जो आता है मदरसा, इसके बाद जो स्टॉप आता है जाफराबाद स्कूल, अब जो स्टॉप आता है मौजपुर मोर, और दोस्तों लास्ट स्टॉप जो आता है बाबरपुर स्टेशन तक ये बस चलाई जाती है। और दोस्तों DTC बसों के जिस भी बस स्टॉप की पूरी जानकारी चाहिए हो आप हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों हमारी पिछली वीडियो DTC बस रूट 429 पर थी जो कि ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन से DDA फ्लैट्स कालकाजी तक जाती है। दोस्तों अगर आपने उस वीडियो को पूरा नहीं देखा है तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उस वीडियो की लिंक डाल दी है, आप लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। अब बात करते हैं DTC क्लस्टर AC बसों के किराए की। DTC और क्लस्टर बसों का किराया सेम होता है, इनका किराया है ₹5, ₹10, ₹15। DTC की नॉन AC बस का पास ₹40 का बनता है जिसे आप चार्टर ऐप के QR कोड को स्कैन करके भी ले सकते हैं। दोस्तों यह पास क्लस्टर बस और AC बसों में नहीं चलेगा। AC बसों का किराया है ₹10, ₹15, ₹20, ₹25। इस बस का डेली पास ₹50 का बनता है। इस पास को भी आप चार्टर ऐप के जरिए ले सकते हैं जो कि DTC की नॉन AC बस, क्लस्टर बस और AC बसों में चलेगा। और दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अन्य लोगों को शेयर करें ताकि सभी को DTC बसों की रूटों की जानकारी मिल सके। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को पूरा वॉच करें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक